अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आज भारत के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है और इस मौके पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि अगर शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम आजाद नहीं होते और ना ही यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे होते। आज हम चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की कहानी आपको बताएंगे। आज हम उस वीर की दास्तान को सुनाएंगे जिन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेज उनको हाथ नहीं लगा सकते और सचमुच वो मरते दम तक आजाद रहे। एक ऐसी ही रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या आपने गौर किया है कि तमाम नेता, तमाम पार्टियां अपने कामकाज का प्रचार करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हर अखबारों पर, पोस्टरों पर, न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर, यहां तक कि रेडियो पर भी नेताओं का नाम छाया रहता है, पर आपने कभी भी देश के आजादी के सच्चे नायक को अपने कामकाजों का प्रचार करते हुए देखा है? चंद्रशेखर आजाद किसी भी काम को करने से पहले मीडिया को बताना पसंद नहीं करते थे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अपनी फोटो तक नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का हमेशा डर रहता था कि कहीं उनकी तस्वीर पुलिस के हाथ ना लग जाए। और देश की आजादी के जिस मिशन में वो पूरी तरह से लगे हैं, वो अधूरी ना रह जाए। चंद्रशेखर आजाद अक्सर झांसी जाया करते थे। वहां पर वह अपने दोस्त मास्टर रुद्र नारायण के पास ही रुकते थे और देश की आजादी की रणनीति तैयार करते थे। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है और वो अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते थे, आज की पीढ़ी को शायद इसकी जानकारी ना हो। इसलिए आज हम चंद्रशेखर आजाद की जीवन के बारे में आपको बताएंगे। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ये गाँव बेहद पिछड़ा था, लेकिन उनका मन तो देश के लिए कुछ कर गुजर जाने को था। और वह मात्र 15 साल की उम्र में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदकर आजादी की लड़ाई के योद्धा बन गए। आंदोलन के दौरान जब पुलिस वहां आई और सभी लोगों को गिरफ्तार करने लगी, तो उसमें चंद्रशेखर भी गिरफ्तार हुए। कोर्ट की सुनवाई में जब चंद्रशेखर की बारी आई तो सबसे पहले उनसे उनका नाम पूछा गया। चंद्रशेखर का जवाब अंग्रेजों के लिए तमाचे से कम नहीं था। उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेजों ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई और जब ये सजा उन्हें दी जाने लगी, तब आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद के मुंह पर एक ही नारा था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यूं तो क्रांतिकारी संगठनों की शुरुआत बंगाल से हुई थी और वहां अनुशीलन नाम की संस्थान काम भी कर रही थी, और उत्तर प्रदेश में था क्रांतिकारी दल, और अब इन दोनों संगठनों ने एक साथ आने का फैसला किया और फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। 1923 में आजाद इसके सदस्य बन गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनने के बाद उनका परिवार उनके साथ ही क्रांतिकारी ही थे और उनका धर्म देश प्रेम था। आजाद ने बचपन से कभी हथियारों को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद अब आजाद का निशाना अचूक था और पुलिस वाले भी उनसे थर थर कांपते थे। 1925 में जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुए तो आजाद ने रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी रेल डकैती की योजना बनाई। वहीं इस कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहारी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। काकोरी ही वह जगह है जहां अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था। इस कांड के बाद आजाद भेष बदलकर छुपे रहे और फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया और फिर वहां हथियार और बम बनाने का काम शुरू किया। अंग्रेजों की लाठी से लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत हो गई और इस मौत के लिए ब्रिटिश पुलिस के सुपरिटेंडेंट सीजे सॉन्डर्स को जिम्मेदार ठहराया गया। लाला जी के मौत का बदला लेने के लिए ही चंद्रशेखर ने सॉन्डर्स हत्याकांड की साजिश रची। हत्या करने के बाद ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए चंद्रशेखर आगरा चले गए और वहां उन्होंने बम बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी। इस बीच सॉन्डर्स हत्याकांड में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उसके बाद आजाद इलाहाबाद चले गए और यह निश्चय किया कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे। 27 फरवरी 1931 के दिन एक गद्दार ने ब्रिटिश पुलिस को चंद्रशेखर का पता दे दिया और फिर पुलिस ने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया
और हर तरफ से फायरिंग करने लगे। चंद्रशेखर ने अकेले ही 1 घंटे तक अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ी जब चंद्रशेखर आजाद के बंदूक में एक ही गोली बची। आजाद ने तब फैसला किया कि उस आखिरी गोली से वह खुद को मार के अपना संकल्प पूरा करेंगे। और देश के लिए लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद की मौत ने देश के एक और वीर बेटे को छीना था। उस दिन पूरा देश रोया था। इस खबर में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।